गाइज तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आजकल ब्लॉग वीडियो करते दक्षिण दिनाजपुर जिलार जेखने कि सबसे बड़ो रथजात्रा उत्सव है। तो से ही जगह तपने जेटा दक्षिण दिनाजपुर जिले अवस्थित तपन श्री राधा गोविंद मंदिर और से ही मंदिर एक कथा बोलते दक्षिण दिनाजपुर जिलार भर सबसे बड़ो रथजात्रा दक्षिण दिन तपने तपन राधा गोविंद मंदिर है। तो से ही जगह आई एन तपन राधा गोविंद मंदिर आई तुम्हारे से ही मंदिर घुरे घुरे सम्पूर्ण किच्छू घुरे घुरे देखान चेषा करब। और सो हमें आज ठीक हे तपन राधा गोविंद मंदिर सामने। तो हमार पिछने देखते राधा गोविंद मंदिर और तो मंदिर भेतर गए और मंदिरटार भरे एक जाब। तो मंदिर बहरे मैं बहरे की आई सब आगे देखो तो मंदिर भेतरे जाब। तो देखो मंदिर बहरे की आ तो एबारमें मैं सामने दिखे मंदिर सामने दिखे गब। तो देखते ही पीछे आर मंदिर मैं हमार पिछने मंदिर आो मंदिर विशाल बड़ मंदिर जेटा दक्षिण दिनाजपुर भरे मन एत बड़ मंदिर नहीं कौ और थकले सम्भवतः जाना नहीं जो थे तेल अवश्य कमेंट कर जाओ जो कथा आत बड़ मंदिर। और सो ताल देखो मंदिरटार बहरे की आ एबारमें आज हे तपन मंदिर एक पशे जे पासटी रही है तीन तीनटा बड़ बड़ रथ। तो गाइस देखते ही पाच जो हमार पिछने तीनटा रथ आछे तो आमी से तीनटा रथ ही देखाबो। कत बड़ बड़ रथ और तो जे कारण दक्षिण दिनाजपुर जिलार तपने रथजात्रा मैं एकटू हम अन्धरण है। सो मंदिर प्रचुर भीड़ है रथजात्रा अनुष्ठान प्रचुर भीड़ है और जे कारण मंदिर रही है दूटा गेट मैं दूटा सीढ़ी सॉरी दूटा सीढ़ी रही है ए पास एक सीढ़ी आई पास सीढ़ी आ जाब सीढ़ी दिए धीरे धीरे सीढ़ी दिए उठे तो मंदिर भेतर जाब और तुम्हारे देखो जो मंदिर भेतर की तो चलो तब जा पिछने एक प्रतिमा आर हमें एन मंदिर ठीक ऊपर दिखे आई ऊपर तलाते आई तो निचतलाते मंदिर को जस्ट ऊपर तलाते मंदिर सब किचु। तो
এখনো মানে সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়নি। তো মন্দিরের চারিদিকে ছোট ছোট মানে মন্দিরের সিস্টেম করা আছে, তো সেগুলো চলছে, এখনো কাজ কমপ্লিট হয়নি ওয়ালটাতে। আর এই সাইডে আরেকটা ওই সাইডেও, তো ওই ওয়ালটাতেও মানে সেম ভাবে কাজ চলছে। দিদি ভাইটা এসেছে মন্দিরটা দেখার জন্য। তো দিদি ভাই কোথা থেকে এসেছো? আমি গঙ্গারামপুর থেকে। তো গঙ্গারামপুর থেকে, তো আমিও তো গঙ্গারামপুর থেকে এসেছি। তো মন্দিরটা দেখে তোমার কেমন লাগছে? অসম, আমি এর আগেও অনেকবার এসেছি, খুব ভালো মন্দির, মনটা শান্ত হয় এখানে এসে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। তো দিদি ভাইয়ের সাথে কথা বলে মানে ভালো লাগলো। তো এবার তোমাদেরকে দেখাবো মানে মন্দিরটার পিছনে যে রাউন্ডটা আছে, তো সেইগুলো কিছু করে দেখাবো। বিশাল পুকুর বলতে গেলে, দেখতে পাচ্ছ যে পুকুরটা কত বড়, মানে বিশাল একটা পুকুর। তো তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা দেখাচ্ছি। আমি এখন যে জায়গাটা আছে মানে আমার পিছনে যে মন্দিরটা রয়েছে, সেই মন্দিরটা হচ্ছে রাম সীতার দরবার, যেখানে রয়েছে রাম সীতার মূর্তি। তো তোমাদেরকে দেখাবো যে রাম সীতার মূর্তি। মন্দিরটার যে সৌন্দর্যটা আছে, তো সেটা উপভোগ করো। আর এই মন্দিরটা তো আসলে মনটা এমনিতেই ফ্রেশ হয়ে যায়। তো জানোই তো মন্দির মানে তো পবিত্র স্থান, তো অবশ্যই আসো মন্দিরটাতে।